get up. Time is barely on our side. Hey guys and welcome back to my channel again in Sagrika Vlogs. तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी. ओके सो आज होने वाला है 1K सेलिब्रेशन गाइस. तो अभी ना मैं और मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं हम दोनों कुछ मतलब केक वगैरह लाने. ओके और मुझे आईब्रो भी प्लग करना है तो मैं भी जा रही हूँ साथ में और केक भी डिसाइड करूँगी वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी. सो या आज का पूरे दिन का व्लॉग मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ. सो रिमी को देखिए. सो टिल एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना. और हाँ तो कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को. अभी ये गाड़ी फिक्स कर रहे हैं तो हम ये स्कूटी लेके जाने वाले हैं. नॉट दिस वन. बाय हैं आप. उफ कल ही बारिश हुआ कौन बोलेगा. सो गाइस इस वॉइस ओवर में ना मैं उतनी एक्साइटेड नहीं मतलब बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे गले की हालत बहुत ख़राब है. ओके सो इग्नोर करना. तो मैं चली गई थी अपना आईब्रो प्लग करवाने के लिए. ऑलरेडी वहाँ पे गाइस इतने सारे बिल्लियाँ थे अब डॉग्स भी आ गए हैं आप लोग देख पा रहे होंगे कितने क्यूट क्यूट से हैं. मतलब लोग यहाँ पे रखे चले जाते हैं ना तो दीदी देखभाल कर लेती हैं इन लोगों का. और यस फाइनली मेरा आईब्रो प्लग हो गए हैं और आईब्रो प्लग हो जाता है तो मुझे इतना आराम मिलता है कि नहीं चलो मुँह को थोड़ा शेप मिला. देन हम निकल गए थे केक शॉप पे और जाते वक्त इतनी गर्मी लग रही थी पूरा मैंने अपना मुँह सब ढक लिया था टैनिंग का मुझे इतना डर था. सो यहाँ पे वो केक देख रहे थे और मैं यहाँ पे आइसक्रीम देखते देखते सोच रही थी लूँ या नहीं लूँ. तो मैंने फिर बोला नहीं छोड़ो गन्ने के रस से काम चला लेंगे क्योंकि मैं डाइट पे हूँ. सो या बाय बाय कर दिया मैंने आइसक्रीम को और गन्ने का रस पी लिया. और यहाँ पे जो गन्ने का रस देते हैं ना अंकल वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है मूड एकदम अच्छा हो जाता है. और ऐसा लगता नहीं है कि मतलब लगता है कि पूरा चीनी दे के दिया लेकिन नहीं कोई भी एडिड शुगर नहीं था वहाँ पर. सो सिर्फ गन्ने का रस था और थोड़ा बीट नून बीट नमक जो होता है वो देते हैं. ओके सो घर पे आके देखा मम्मी ऑलरेडी सब कुछ बना बना के एकदम रेडी कर रखी थी. फ्राइड राइस हुआ था उस दिन मच्छी हुआ था क्योंकि मम्मी पापा नहीं खाते हैं चिकन तो इसीलिए. बोलो हाय. सो गाइस अभी ना हम खा पी के जैसे कि हमने देखा आज फ्राइड राइस चिकन और मच्छी का कुछ करी वगैरह बना था. ओके सो वो खाया आज हमने और अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ. बहुत ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए पहले खा लिया. सो अभी मैं सोऊंगी थोड़ा सोएंगे उसके बाद शाम को हम केक कटिंग करेंगे. सो उसका भी वीडियो होगा. तो अभी तक आई होप आपको बोरिंग नहीं हो रहा है वीडियो देख रहे हैं आप. सो टिल एंड तक देखिए और केक भी मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने कौन सा वाला केक लिया है. ओके और एगलेस केक लिया है क्योंकि मम्मी पापा एग वाला केक नहीं खाते हैं. सो या देखते रहिए तभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं शाम को केक कटिंग करते हैं. सो या गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ. एक मिनट मैं आपको आउटफिट दिखा दूँ. सो ये वाला आउटफिट आपने देखा होगा आसाम में मैंने वेयर किया हुआ था इसको और यहाँ पे रिमी भी बैठी हुई है. सो मैं रेडी हो चुकी हूँ तो अभी हम बाहर जाएंगे. सो कुछ मतलब क्या बोलूँ मतलब रेंट पे रहते हैं वो लोग भी आए हैं. ओके सो उन लोगों के साथ हम लोग केक कटिंग करेंगे. मम्मी भी आई थी बट मम्मी को अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ा किसी काम की वजह से वरना मैं मम्मी को भी बोलती रहने के लिए केक कटिंग तक. सो या अभी रेडी हूँ मेरे हस्बैंड भी रहती है सब रेडी है बाहर. सो चलिए चल के केक काटते हैं और अपना सेलिब्रेशन कंप्लीट करते हैं आज. गाइस ये है हमारा केक. एक्चुअली ज़्यादा लिखने का जगह नहीं था तो यहाँ पे 1K और हैप्पी लिख दिया. सेलिब्रेशन भी उतना नहीं लिखा है. सो ये क्यूट सा केक है ब्लूबेरी आइसक्रीम केक. सो या एगलेस है ये क्योंकि मम्मी पापा दोनों खाएंगे तो अभी कटिंग करते हैं. काटो বনুকে দাও আগে তারপর মাকে দাও.
यम्मी गाइस, हम 1K सेलिब्रेट करो। थैंक यू गाइस। सो गाइस, रिमी लॉ के अंकल डरते हैं रिमी से, सो अभी रिमी को केक देने जा रही हूँ क्योंकि केक कटिंग फाइनली हो चुका है। चलिए मैं रिमी को केक बहुत पसंद आया है गाइस, रिमी इज लविंग इट। गुड गर्ल, देखो दिखे अरमी एदिके आसो, जंप जंप एदिके ताको एदिके ताको एदिके ताको एदिके एदिके ए ए ए रिमी। या गाइस, आज का वीडियो, आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था, समाप्त होता है मेरा व्लॉग यहीं पर। और ये व्लॉग अगर अच्छा लगा है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरे इस वीडियो को, ओके। एंड चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिना बताए मेरा वीडियो देख रहे हो चुप चुप के, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और ऑलरेडी जो मेरे सब्सक्राइबर है, आई होप आप लोगों को पसंद आया है ये वीडियो मेरा, ये व्लॉग पूरा। सो या थैंक यू गाइस, आप लोगों की वजह से ही आज ये पूरा सेलिब्रेशन हो पाया है मुमकिन, ओके। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है, ऐसे ही अपना लव जो है, अपना प्यार जो है वो देते रहना, ओके। और इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइस, आई जेन्युइनली नीड योर सपोर्ट थ्रू आउट माई यूट्यूब जर्नी गाइस, ओके। सो या आज का व्लॉग यहीं तक था, आई होप आप लोगों को पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से, बाय।